हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत दिनों से कह रहे थे गांधी सेतु के समानांतर जो नए ब्रिज का निर्माण हो रहा है उसका अपडेट देने के लिए आज हम लोग पटना के साइड से चलेंगे और दिखाएंगे गाय घाट तक कहां तक काम हुआ है इस ब्रिज का और कब तक चालू हो जाएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस ब्रिज का काम। अभी हम लोग गांधी सेतु के ऊपर पटना साइड में कुम्हरार के पास है, जहाँ पर रैंप उसका उतरता कुम्हरार के पास, और ये वाला जो सामने वाला रास्ता आप देख रहे हैं ये 0 माइल पटना की ओर चला जाएगा। वहीं आप इस साइड वाला अगर रास्ता देखेंगे तो यही वाला रास्ता है जो हाजीपुर की ओर निकल जाता है गांधी सेतु ब्रिज के माध्यम से। और आप देखेंगे तो यहीं पर जो गांधी सेतु का समानांतर एक नए ब्रिज का निर्माण हो रहा है इसी जगह पे हो रहा है। वहीं इस साइड वाले रास्ता से आप कुम्हरार की ओर उतर जाएंगे नीचे इस रैंप के जरिए। चलिए फिर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर निर्माण कार्य गांधी सेतु के समानांतर जो नए ब्रिज का हो रहा है निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर अभी काम रोक दिया गया है। जब पिछली बार हम लोग आए थे तो यहाँ पर काम चल रहा था लेकिन अभी इसका काम को रोक दिया गया है और ये ब्रिज इस साइड से चल जाएगा, 0 माइल में कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहीं तक काम को भी रोक दिया गया है। चलिए फिर हम लोग आगे चलेंगे गाय घाट तक और आपको दिखाएंगे वहाँ तक गांधी सेतु ब्रिज का काम कितना हुआ था और कब तक चालू हो जाएगा। ये वाला 4 लाइन वाला ब्रिज है, पुराने वाला गांधी सेतु, और नए वाला जिसका निर्माण हो रहा है वो भी 4 लाइन वाला होने वाला ब्रिज, मतलब कि अब 1 लाइन वाला हो जाएगा इस रूट में। चलिए फिर आगे की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस नए ब्रिज का काम। आप देखेंगे तो यहाँ पे साइड के रेलिंग का काम हो चुका है, इस साइड में देख सकते हैं। अभी हम लोग पिलर नंबर 11 के पास थे और आप देखेंगे ऊपर तो सुपर स्ट्रक्चर के लॉन्चिंग का काम कंप्लीट हो चुका, फिनिशिंग का काम इस एरिया में चल रहा है, साइड रेलिंग का निर्माण कार्य चल रहा है इस एरिया में, आप देख सकते हैं। चलिए फिर और आगे चलेंगे और आगे से आपको दिखाएंगे इस नए ब्रिज का काम। अभी हम लोग पिलर नंबर 19 के पास हैं और आप यहाँ पर देखेंगे तो गार्डर के लॉन्चिंग का काम बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका है, उसके आगे यहाँ से काम अभी बढ़ा नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कोई काम नहीं हो रहा है इस ब्रिज का। वहीं इस साइड भी आप देखेंगे तो पिलर नंबर 23 के पास से उत्तर 23-24 की ओर काम हो चुका है और बीच में अभी यहाँ पर 4 पिलर पर काम बाकी है। ये काम बहुत पहले से ही यहाँ पर रुका हुआ है गांधी सेतु के जो समानांतर नए ब्रिज का निर्माण हो रहा है आप देख सकते हैं। और वहीं इस साइड देखेंगे तो गांधी सेतु ब्रिज पर गाड़ियाँ दौड़ रही है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे गांधी सेतु के समानांतर जो ब्रिज बन रहा है उसका निर्माण कार्य चल रहा है। और इस ब्रिज की लंबाई की बात करें तो यह ब्रिज की लंबाई 14.5 किलोमीटर है जो पटना के 0 माइल से हाजीपुर के PSNL गोलंबर को कनेक्ट करेगा, जहां इसमें गंगा नदी में इस ब्रिज की लंबाई 5.6 किलोमीटर है। वहीं दोनों सिरे पर जो अप्रोच रोड बनेगा उसकी लंबाई 8.9 किलोमीटर है। और आपको बता दें कि इस ब्रिज के बन जाने से लोगों को बहुत ही ज़्यादा आराम हो जाएगा। अभी गांधी सेतु ब्रिज पर गाड़ियों का बहुत ही ज़्यादा दबाव रहता है जिससे अक्सर जाम देखने को मिलता है, लेकिन इस ब्रिज के बन जाने के बाद लोगों को बहुत ही ज़्यादा आराम हो जाएगा और पटना से हाजीपुर की दूरी भी घट जाएगी। चलिए फिर नीचे चलते हैं गाय घाट के पास और वहां पर से भी आपको दिखाते हैं इस ब्रिज का काम कहां तक हुआ। अभी हम लोग गाय घाट के पास हैं जहां पर पटना मरीन ड्राइव का नया रैंप उतारा जा रहा है और आप सामने देखेंगे तो गांधी सेतु के जो समानांतर ब्रिज का निर्माण हो रहा है उसका काम यहां पर लाकर रोक दिया गया है लॉन्चिंग का काम। चलिए फिर हम लोग गंगा नदी के लास्ट छोर पर चलते हैं और वहां से देखेंगे उस साइड से निर्माण कार्य कितना हुआ है। अभी हम लोग गाय घाट के पास आ चुके हैं गंगा नदी के लास्ट छोर पर और यहाँ पर आप देखेंगे तो गांधी सेतु के समानांतर जो ब्रिज का काम हो रहा था पिलर्स के पाइलिंग का नदी में वो आपको दिख भी नहीं रहा होगा, पानी में डूब चुका, पानी ज्यादा होने के कारण।
यहाँ पे कोई काम अभी नहीं हो रहा है। नए वाले ब्रिज का आप देख भी सकते हैं, एक जगह पर आप देखेंगे तो सिर्फ छड़ आपको दिख रहा होगा, बाकी आपको तो पाइलिंग का जो काम हो रहा था पिलर्स का वो दिख भी नहीं रहा होगा। वहीं आप इस साइड देखेंगे तो गांधी सेतु पर गाड़ियां दौड़ रही है, और ये वाला जो पिलर्स है इसका निर्माण कार्य बहुत पहले ही कम्प्लीट हो चुका था यहाँ तक, उसके बाद इसका काम अभी चालू नहीं हुआ। वही ये है पटना का मरीन ड्राइव, जिसे जेपी गंगा पथ भी कहते हैं, जो दीदारगंज से दीघा तक फैला हुआ, इसका भी एक रैंप उतारा जा रहा है गायघाट के पास। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है गंगा नदी का यहाँ पर। और आपको बता दें कि जो नए वाले ब्रिज का निर्माण हो रहा है वो 2026 के लास्ट तक कंप्लीट होगा, क्योंकि इसका काम बहुत ही स्लो चल रहा। पहले इसका टारगेट था दिसंबर 2025 में कंप्लीट होने का, लेकिन अब डेट बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। थैंक यू।